प्रेस सब्सक्राइब बेल आइकॉन एंड लाइक बटन। jainworld.com 25 इयर्स ऑफ सर्विस टू जैनिज्म। भारत चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो विल स्टार्ट विथ 3 अरहम। सो सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद और ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा कोई भी जो है, तीनों उंगलियां ऊपर और मुद्रा इस प्रकार से। सो लास्ट टाइम हमने बहुत से जो टूल्स और टेक्निक्स है, जो विभिन्न विधियां है, उसकी थोड़ी समराइज की थी। उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। और हमने करीबन 45 डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स यूज़ किए थे। तो मैं समझ लेता हूँ कि लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया, आप लोगों ने कुछ उसका प्रैक्टिस किया होगा। और आज हम और आगे चले जाते हैं। तो एक बात हमने गमन योग की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान महावीर जब भी चलते थे गमन योग से चलते थे, या भगवान बुद्ध जो है वो गमन योग से चलते थे। चलना और गमन योग चलना में बहुत फर्क है। तो हम तो जाते हैं वॉकिंग जाते हैं, बहुत से लोग रोज जाते हैं वॉकिंग, बट वॉकिंग में टॉकिंग ज़्यादा होता है और वॉकिंग कम हो जाता है। तो बहुत से हमारे दोस्त है कि वो वॉकिंग निकलने से पहले सेलफोन है वो अपने फ्रेंड को लगा लेते हैं, ऑन करते हैं, और फिर पहले टॉकिंग चालू होता है, बाद में वॉकिंग चालू हो जाता है। सो दैट इज़ नॉट ए गमन योग। गमन योग है कि यू आर टोटली फोकस्ड ओनली ऑन वॉकिंग। ना आप किसी से बात कर रहे हो, ना कुछ दूसरा सोच विचार कर रहे हो, ना इधर उधर आंखें रोलिंग कर रहे हो कि ये क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उसने क्या ड्रेस किया, उसने कैसा ड्रेस किया, पेड़ के पत्ते हरे हैं, आकाश में बादल है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो पांच समिति में से एक एरिया समिति जो है कि भाई आपकी जितनी हाइट है बस उतना आगे देखना है, उससे ज़्यादा का आगे देखना नहीं है, ये बाजू का देखना नहीं, वो बाजू का देखना नहीं। तो इससे डबल ट्रिपल फायदे हो जाते हैं। एक तो जो छोटे कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं रास्ते पे, वो हमारे पैर के नीचे आके नहीं मरते, बिकॉज वी कैन सी देम एंड हम अलर्ट रहते हैं, और एक हिंसा से हम बच जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट जो होता है कि इधर उधर देखे हम तो मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं। जो भी चीज़ देखी है तो मन एनालाइज करते चला जाता है और उस प्रकार से फिर एक्शन होते जाती है। एक सुंदर कहानी है कि एक आदमी जा रहा था, तो जाते जाते इधर उधर देख रहा था, तो कुछ काम से किधर जा रहा था, मगर उसने देखा अरे ये आम के पेड़ में तो आम अच्छे हैं, पक गए हैं। अब फिर उसने आजू बाजू देखा, अरे कोई तो नहीं है, कोई तो नहीं है, तो उसे मोह हो गया कि चलो कुछ आम खा लेते हैं। तो चले, उसके पैर उधर चले गए आम के पास, हाथ है हाथ पूरे जब पहुंच गए वहां थे, तो हाँ उसने कुछ आम तोड़ लिए, पके हुए आम तोड़ लिए। फिर
बिल्कुल अच्छा खा लिया उसने, और जैसे ही वो जाने वाला था वो मालिक जो है आ गया, उसने कहा अरे चोरी से आम खाते हो, उसकी मरम्मत की, पीठ पर बड़े बहुत अच्छे डंडे मार दिए उसको। तो आदमी फिर जा रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो पीठ बोलती है उसको, उसकी पीठ बोलती है कि अरे तुम्हारी आंखों ने आम देखे, पैर तुम्हें वहां तक ले गए, हाथों ने आम तोड़े, मुंह में आपने आम चबाए, जिह्वा ने उसका रस चखा, उसको मजा आ गया, पेट में आम चले गए, पेट भी भर गया, पेट को भी मजा आ गया, मगर डंडे मुझे पड़े, मैंने तो कुछ भी नहीं किया उसमें। तो इधर उधर देखने से कुछ विचार जाते हैं, हम भटक जाते हैं। तो इसलिए इदियापथ शुद्धि में जो है सामने देख के, 6 फीट देख के, नीचे देख के चलना है, ताकि जो आपकी चलने की क्रिया है उस पर आप टोटली फोकस्ड हो। तो केवल चलने की क्रिया पे फोकस करना, बाकी सारे मल्टीटास्किंग को बंद कर देना है। दिस इज द गमन योग। और उसमें हमने देखा था कि पैरों की एक कैसे मूवमेंट करनी है, यू नो, पैर को सीधे रखे और पहले एड़ी को टच करना है, फिर उंगलियां आगे की टच करनी है, ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और सिंक्रोनाइज होके चलना है, और कंप्लीटली फोकस ऑन जो पैर आप उठा रहे हो, जो पैर की मूवमेंट है उसके साथ आपका मन जुड़ा है, आपकी चेतन शक्ति जुड़ी है। तो यू वॉक नोइंगली कि हाँ मेरा पैर यहाँ तक उठ गया है, वो आगे चला है, फिर नीचे जा रहा है, जमीन को टच कर रहा है, फिर मैंने दूसरा पैर उठाया, फिर वो ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, लाइक दैट। सो दिस इज अ गमन योग, मीन्स जो चीज आप कर रहे हो उसको भावना के साथ, मन के साथ, विचारों के साथ 100% उसी में आप जुड़े हो। सो दैट गिव्स यू द 100% बेनिफिट ऑफ वॉट एवर क्रिया यू आर डूइंग। सो दैट इज द गमन योग। सो गमन योग में एक तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है, जो हम भी मूवमेंट कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो जागरूकता के साथ हम करते हैं, है ना। एक बहुत सिंपल बात जैनिज्म की होती है कि अप्रमाद के साथ कोई भी काम करे, प्रमाद से जो काम होता है उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो अच्छा होता है। अब प्रमाद के साथ, जागरूकता के साथ, अलर्टनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ जो काम हम करते हैं, तो उसमें जो है कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट करता है। तो दिस इज ए गमन योग। और गमन योग ने फिर हमने एक देखा था कि ब्रीदिंग को कैसे सिंक्रोनाइज करें चलने के साथ, कि पैर जैसे चल रहे उसी प्रकार से ब्रीदिंग आप सिंक्रोनाइज कर लीजिए प्रॉपरली। सो एक पैर उठाया, दूसरा लगाया, तो जब तक आपकी एक ब्रीदिंग साइकिल भी हो जाए, सो एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज। सो दिस इज द गमन योग। इसकी भी बातें हमने की थी। अब फिर हमने कुछ बातें की थी कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाए, क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारा है कि हम 99.9% बाह्य से जुड़े हुए हैं, बहिरात्मा में रहकर काम करते हैं, तो बाहरी चीजों से स्थूल जो चीज है, जो हमें आंखों से दिखती है, कानों से सुनाई देती है, हम उसी से जुड़े हुए हैं। तो एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन होता है ध्यान में जाने के लिए कि भाई कैसे हम चेतन शक्ति से जुड़े, कैसे जो अंतरंग की चीजें हैं, जो न दिखती है न सुनाई देती है, उससे कैसे जुड़े। तो इसके लिए सेंसिटिविटी हमारी जो है उसको बढ़ाना जरूरी है। तो उसके कुछ टेक्निक्स हमने देखे थे। तो वन ऑफ द टेक्निक्स इज, जहां भी है आपके घर के आजू बाजू में झाड़ी है, थोड़ा सा घर से निकल कर, सीजन एज द सीजन परमिट्स, है ना। तो लकीली अटलांटा में तो ऐसा है कि
8-9 months, तो इट्स अ गुड सीजन, यू कैन बी आउटसाइड। तो थोड़ा बैठ जाइए, पेड़ के नीचे बैठ जाइए, चाय अंदर टेबल पे पीने से चाय लेके बैठ जाइए पेड़ के नीचे, आराम से लिसन टू एवरीथिंग अराउंड, है ना। तो पेड़ के साथ थोड़ी सी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाइए, पेड़ के साथ दोस्ती बढ़ाइए। कोई पंछी गाता है तो ज्वाइन द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्ड, यू नो। बर्ड के पास ना कुछ है, ना बड़ा घर है, ना कार है, ना कुछ है, ना कुछ है, बट एवरी मॉर्निंग ही इज़ वेरी हैप्पी, और जाके एक बहुत अच्छा गाना सुना देता है दुनिया को कि भाई साहब मैं तो खुश हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मगर आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और ये मेरा गीत आपको पेश है ना। और यदि आप उससे जुड़ जाए तो आपको पता चलेगा कि पंछी रोज नया गीत सुनाता है, क्योंकि हम जुड़ते नहीं तो हमको लगता है ऐसे ही रोज रोज ट्यू ट्यू कर रहा है, नहीं, पंछी रोज एक नया गीत सुनाता है। जैसे ही आप उससे जुड़ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए रोज नया गीत लेके आता है। तो सेंसिटिविटी बढ़ानी है, कि आवाज की सेंसिटिविटी बढ़ानी है। आप घर में बैठे हैं तो थोड़ा बैठ जाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, और जो घड़ी है कहीं दूर है घर में, वो टिक टिक करती है, समझो पुराने टाइप की है, तो उसकी टिक टिक आपको अभी नहीं सुनाई देगी, बट बैठे 2-3-4 मिनट के बाद आपको सुनाई देगी, क्योंकि नाउ यू आर सिंक्रोनाइज एंड गेटिंग कनेक्टेड विद दैट। तो जो भी आवाज घर में आती है, छोटी सी बारीक छोटी, तो बैठ जाइए, शांत बैठ जाइए, और आपको सुनाई देगा कि किचन में फ्रिज है उसकी आवाज आती है ना। वॉशिंग मशीन चालू कर दी है, वो थोड़ी स्पीड पे भी है, और आप कहीं ऊपर है तो भी आपको आवाज सुनाई देगी। छोटी छोटी चीज जो है उसकी सेंसिटिविटी इस प्रकार से हमें बढ़ानी है। बैठ जाइए साइलेंटली और ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद देम। नेबर के यहाँ कुछ हो रहा है, उसने गैरेज डोर ओपन किया है, आप शांत बैठे तो आपको सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। शांत बैठ जाए तो आपको सुनाई देगा, अरे मेरे नेबर का गैरेज डोर ओपन हो गया है। तो सेंसिटिविटी इस प्रकार से हमें हर चीज में सेंसिटिविटी बढ़ानी है। उसके बहुत से प्रकार है, हम आगे चल के देखते चले जाएंगे, बट सम ऑफ देम जो हमने डिस्कस किए थे कि सेंसिटिविटी को बढ़ाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो हमारी इनर जो शक्तियाँ है हमारे शरीर के अंदर, वो सारी उसकी वाइब्रेशंस जो है वो जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, और उस जानने के लिए सेंसिटिविटी को बढ़ाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने की बातें जो हमने की थी, तो उस पर भी हमें गौर करना है। और इस प्रकार से फिर हमने देखा था कि चक्रों की बात की थी, कि फिजिकल बॉडी जो हमारी है उसके अंदर तेजस शरीर है, और तेजस शरीर के अंदर और सूक्ष्म जो है कारमान शरीर है, और फिर हमारी चेतन शक्ति है। तो जो चक्र होते हैं, हम उसे चैतन्य केंद्र भी कहते हैं, तो जो हमारी तेजस बॉडी है उसमें ये सारे होते हैं। हम फिजिकल बॉडी में उसको करस्पॉन्डिंग पकड़ के हम कहते हैं कि भाई नाभि चक्र नाभि के पास है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली देयर, इट इज इन द बैकबोन पार्ट, जहाँ पे तेजस बॉडी का पार्ट है उसमें वो चक्र है। तो सारे चक्र तेजस बॉडी में है, और एक एक चक्र को हमें जगाना चाहिए। तो मूलाधार से लेके, यू नो, शक्ति केंद्र या मूलाधार से लेके जो बाकी केंद्र है,
स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार्य है, ये जो मेन सात चक्रों की बात हमने की थी, और ग्रेजुअली हमें इसके ऊपर आगे बढ़ते चले जाना है। और कुछ और चक्र है उसकी भी हमने बातें की थी, ब्रह्म केंद्र की बातें की थी, प्राण केंद्र की बातें की थी, और अप्रमाद केंद्र की बातें की थी, ज्योति केंद्र और शांति केंद्र, ये और एक्स्ट्रा चक्र, तो टोटल 13 चक्रों की हमने बात की थी। अप्रमाद केंद्र की भी हमने बात की थी कि अप्रमाद केंद्र पे यदि आप ध्यान करते हो तो आपके जो भी व्यसन है वो सारे व्यसन से आपकी मुक्ति हो सकती है। कितने भी गहरे व्यसन हो तो अप्रमाद केंद्र पे ध्यान करने से वो व्यसन से आपकी मुक्ति हो सकती है। तो अप्रमाद केंद्र जो है, जस्ट टू रिवाइज, जो हमारे कान के अंदर सेंटर है, तो समझो आंखों के वहां से स्ट्रेट हम लाइन निकालें और कानों से दो कानों के क्रॉस करने की एक लाइन निकालें और कान के अंदर अंदर जाके एक वर्टिकल लाइन निकालें, तो तीनों जहां मिलती है दैट इज द अप्रमाद केंद्र। तो कानों के अंदर थोड़ा सेंटर है, नॉट इन द फिजिकल बॉडी बट इन द तेजस बॉडी, सो इट इज लाइक ए सस्पेंडेड पॉइंट इन बिटवीन, यू नो। तो अप्रमाद केंद्र है, उस पे आप ध्यान करें, 10 मिनट तक रोज ध्यान करें, ऐसा आप करते जाइए तो धीरे धीरे 5-6 महीने में आपकी आदत छूटनी शुरू हो जाएगी। कोई भी आदत है एनी, क्योंकि अप्रमाद केंद्र जो है कि वो हमें अलर्ट बनाता है, जागृत बनाता है, अप्रमादी बनाता है, और इसके कारण जो भी बुरी चीज हम करने जा रहे हैं उसके पहले एक अलर्टनेस आती है कि भाई साहब दिस इज नॉट गुड, और आप उससे बच जाते हो। जो भी बुरा काम हम करते हैं वो प्रमाद में जाने के बाद ही करते हैं, प्रमाद में जाने के बाद ही आदमी पाप करता है। अप्रमादी रहे आप तो पाप करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अलर्टनेस रहती है तो वो आपको अपने आप रोक देती है। तो अप्रमाद केंद्र की हमने बात की थी, और इसी प्रकार से हमने नासाग्र की बात की थी, जहाँ विचारों को हम रोक सकते हैं, है ना, नासाग्र दृष्टि, और ओनली 5% आंखें खुली रखनी है और फोकस्ड ऑन द नासाग्र, तो आपके विचार बंद हो जाएंगे। सो विचारों का जो एक सिलसिला चलता रहता है, और मिलियन डॉलर चैलेंज जो हमारी रहती है कि भाई ये विचारों से कैसे हम बचे, तो उसका वो एक उपाय हमने देखा था। दूसरी एक बात हमने देखी थी कि जो मंत्रोच्चारण हम करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है, एक तो स्पष्ट रूप से कहना है, एक तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करनी है, और उसकी रिदम जो है वो करेक्ट हमें लेनी है, और उसको के भावनाओं के साथ जुड़ जाना है। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो भी हम उच्चारण करते हैं, ओम का है, रिम का है, और कोई भी नमोकार मंत्र है या और भी कोई मंत्र जो है, ओम नमः सिद्धेभ्यः है और ओम राम रिम रूम है, सारे मंत्रों के लिए ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात हमने देखी थी कि ये मंत्रों का उच्चार तो बाहर हो रहा है मगर उसकी रियल वाइब्रेशन अंतरंग में होती है, तो मंत्र में फोकस करनी है, जो वाइब्रेशंस है उस पर फोकस करनी है कि वाइब्रेशन कहाँ हो रही है, कितनी इफेक्टिव हो रही है, और उस वाइब्रेशन के साथ हमें जुड़ना है। दैट इज द सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट हमने देखा था
कि वो वाइब्रेशन कौन से सेंटर पे इफेक्ट करता है, कौन से चक्र पे इफेक्ट करता है, शरीर के कौन से भाग में उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो मंत्र उच्चारण के ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, और चौथी स्टेप्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको विजुअलाइज करना है। जो आप कह रहे हो तो नमो अरिहंतानम कह रहे हो, तो अरिहंत की प्रॉपर्टीज को विजुअलाइज करना है। नमो सिद्धानम कह रहे तो सिद्ध की इमेज को विजुअलाइज होना है, उसकी प्रॉपर्टीज का विजुअलाइज होना इम्पॉर्टेंट है। तो विजुअलाइजेशन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी जो प्रोसेस है। तो ध्यान के हमने चार देखे थे लेयर्स, और पश्यन्ति जो थर्ड लेयर है दैट इज व्हाट इज यू आर विजुअलाइजिंग, कि जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमने देखी थी कि बाह्य जगत की लैंग्वेज अलग है और अंतर जगत की लैंग्वेज अलग है। अंतर जगत में न हिंदी चलेगी, न इंग्लिश चलेगी, न मराठी चलेगी, न कोई लैंग्वेज चलेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हमने देखी थी कि अंतर जगत की लैंग्वेज है, इट्स ए विजुअल लैंग्वेज, है ना। तो विजुअल पिक्टोरियल लैंग्वेज है, पिक्चर के हिसाब से, विजुअल के हिसाब से। सो दैट्स व्हाई कोई भी हम करते हैं ध्यान, तो विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विजुअलाइजेशन जो है वो हमारे सबकॉन्शियस से कम्युनिकेट करेगा, नहीं तो आप सबकॉन्शियस से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो सबकॉन्शियस से कनेक्ट होने हैं तो आपको ये विजुअलाइजेशन की एबिलिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे ही आपने आंखें बंद की और समझो कि नमो अरिहंतानम कह रहे हैं, तो अरिहंत को विजुअलाइज करना, उनकी जो क्वालिटीज है उसको विजुअलाइज करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस तक वो मैसेज पहुंचे। क्योंकि सारे बदलाव जो है वो सबकॉन्शियस में जाने के बाद ही हो सकते हैं। उसकी ऊपरी लेयर पर जो भी बदलाव है वो टेम्पररी रहेंगे। तुमने देखा था कि क्रोध आता है, बचपन से पता है कि क्रोध बुरा है, मगर बूढ़े भी हो गए तो भी क्रोध जो है उस पर नियंत्रण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि सबकॉन्शियस में जाकर उसकी शुद्धि हमने नहीं की। तो जो भी बदलाव चाहिए सबकॉन्शियस तक जाना है, और इसीलिए विजुअलाइजेशन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विजुअलाइजेशन एक हमारी मन की कल्पना शक्ति की क्वालिटी है, और इनिशियल स्टेजेस में हमें उसको यूज करना है। आगे चलकर जब हम बढ़ेंगे तो फिर निर्विकल्प में जाने की बात आगे आएगी। तो इम्पॉर्टेंट जो है कि फर्स्ट स्टेप कैन नॉट बी द लास्ट स्टेप, है ना। सो यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। यू नो यू कैन नॉट स्टार्ट विद द PhD एंड देन गो टू द स्टैंडर्ड 1। सो इसी प्रकार स्टार्टिंग में विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, एंड वंस यू गेट दैट स्किल then as a next step you have to drop the visualization also, and then you know see the things. So this is one important things we had seen. Aur fir humne do teen important sutra bhi liye the, preksham shraddham yayat, shraddham vidyam yayat, vidyam charanam yayat. To these are the steps, ये progression है कि इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। कि पहले प्रेक्षा करनी है, यानी कि observe करना है कि ये जो quality, ये जो मेरा अवगुण है, जो मेरी bad quality है, ये कैसे आ रही है, कहाँ पैदा हो रही है, क्यों क्रोध आ रहा है। तो क्रोध का जो root है
उसे चूज करना है कि भाई किसी ने मेरा अपमान कर दिया इसीलिए क्रोध आ गया, मुझे कुछ मिल रहा था किसी ने उसमें टांग अड़ा दी तो क्रोध आ रहा है ना, या किसी और कारण से क्रोध आ रहा है, या बाकी जो लोभ आ रहा है। तो जो बुरी प्रवृत्ति आपको शुद्धि करनी है जिसकी, वो पहले कैसे पैदा होती है, उसका उद्गम स्थान क्या है, किस कारण से, किस परिस्थिति से वो निर्माण होती है, वो बाहर की परिस्थिति से निर्माण हो गई या अंतरंग से कुछ आ गया और उसके कारण क्रोध आ गया। तो इसको देखना है, दिस इज द प्रेक्षाम, यू नो। जैसे हम देखते चले जाएंगे तो फिर हमें विश्वास आएगा कि हाँ पता है मुझे ये क्यों हो रहा है, सो नाउ आई कैन फाइंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो मनोबल चाहिए, जो श्रद्धा चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। और श्रद्धा के बाद श्रद्धा विधियम जाया, तो जैसे श्रद्धा आपकी आ जाती है तो जो उसके लिए शक्ति चाहिए, कोई भी बदलाव करना है तो यू हैव टू स्पेंड समथिंग, नथिंग इज अवेलेबल फ्री, है ना। आप मार्केट में जाओगे कि भाई एलेक्सास लेनी है तो पैसे देने पड़ेंगे, फुकट में कोई नहीं देगा आपको। तो जो बदलाव करने हैं तो उसके लिए शक्ति की जरूरत है, बगैर शक्ति के कोई बदलाव होगा नहीं। तो श्रद्धा के बाद जो है कि हमारी शक्ति बढ़ती है, हम शक्ति का संग्रह करते हैं और उस शक्ति का यूज करके फिर हम जो है कि ये बदलाव ला सकते हैं। तो इसका एक हमने बहुत सुंदर उदाहरण भगवान महावीर ने दिया था, वो पढ़ा था कि भाई जैसे कि कोई चीज़ें हमने इकट्ठा कर ली है जलाने के लिए, साल भर के लिए जलाने के लिए ईंधन के रूप में सूखा हुआ घास पत्ती जमा करके रखी है, और उस पर यदि अग्नि गिर जाती है, जोर से पवन है, तो क्षण में सारा ईंधन नष्ट हो जाता है। तो जो हमारे अंदर की बुराई नष्ट करनी है तो इसी प्रकार से हमें जो है ध्यान की अग्नि निर्माण करनी पड़ेगी। और जब ये ध्यान से शक्ति जो हमने निर्माण की है वो अग्नि के लेवल तक हम ले जा सकते हैं, तो ये बुरी चीजें जलनी शुरू हो जाएगी और परिवर्तन आने शुरू हो जाएगा। तो ध्यानाग्नि जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ध्यानाग्नि लाने के लिए तप, हमने देखे थे कि तप की जो चीजें है वो सारी ध्यानाग्नि लाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बाह्य तप अंतर तप ये हमने देखे थे कि बाह्य तप जैसे कि पहले पांच बाह्य तप जो है कि वो शक्ति संग्रहित करने का काम करते हैं, और छठा जो देखा था प्रतिसल्लीनता, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी, वो आपको बुरी चीजों से जो हम जुड़ गए हैं उससे छुटकारा पाने का एक साधन होता है। तो एक प्रॉब्लम आता है हमारा कि जब ध्यान में चले गए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है कि ध्यान में चले गए तो सारे बुरे विचार जो है आने शुरू हो जाते हैं, जो हमारी अतृप्त वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो सारी की सारी उभर कर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको अच्छा मौका है, ध्यान में आप है, साइलेंट बैठे हैं, तो उसको कैसे, उससे कैसे छुटकारा पाए। तो वो इसलिए आती है, उसका भी कारण हमने देखा था कि क्यों आती है, क्योंकि हमारा सारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो हमारी लॉजिक रीजनिंग प्रोसेस है, जो हमारी अनुभूतियां है, वो बाह्य चीजों से जुड़ी हुई है, वो हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, और शरीर से जुड़ी हुई बाकी चीजों से जुड़ी हुई है। तो जब ध्यान में बैठे तो जहां एसोसिएशन है हमारी,
वो एसोसिएशन ही जग जाएगी वहां पे, स्मृति में हमारी आएगी कि जो चीज हमारी एसोसिएशन में है, जो एसोसिएशन में है ही नहीं वो स्मृति में आएगी नहीं, वो विचार में आएगी नहीं, उसका चिंतन होगा नहीं। तो इसलिए प्रतिसल्लीनता एक टेक्निक जो हमने देखा था कि जो बुरी चीजों से जो हमारी लगाव है, जो उससे कनेक्शंस हमारे जुड़े हुए हैं, उसको निकाल कर इक्विवेलेंट अच्छी बातों में उसे लगाना है। सो दिस इज अ प्रतिसल्लीनता। तो क्रोध आता है तो क्रोध की जो अपोजिट अच्छी बातें है क्षमा, तो क्षमा की भावना, दोस्ती की भावना से शुरू करना है। तो जो भी दुश्मनी है वो छोड़ देनी है, दोस्ती की भावना से करे तो क्रोध नहीं आएगा, और फिर वहां से हम क्षमा की ओर चले जाए कि कुछ किसी के कारण क्रोध भी आ गया तो हम क्रोध नहीं करें, हम क्षमा करें। तो क्रोध मान माया लोभ के ये जो है चार जो प्रति है कि क्षमा मार्दव आर्जव और शौच, दस लक्षण के जो फर्स्ट चार है वो कषाय के जो चार भाग है उसके विपरीत प्रतिसल्लीनता के है वो, कि हम यहां से निकलकर यहां जाए, यहां से निकलकर यहां जाए। तो प्रतिसल्लीनता इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स विच कैन टेक यू टू ए ग्रेटर हाइट, यू नो। तो प्रतिसल्लीनता की बातें हमने की थी तो उसकी भी हमें चर्चा करनी है। एक और इम्पोर्टेंट सूत्र हमने देखा था कि हम स्थूल से जुड़े हुए हैं, यू नो, शरीर हमारा स्थूल है, बाहरी सारी चीजें जो हमने इकट्ठा कर ली है और जो इकट्ठा करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो सारी स्थूल जगत की है। और जब तक स्थूल में ही हम अटके हैं तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो दो बातों की चर्चा जैनिज्म में हमेशा होती है कि व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार नय जुड़ा है स्थूल से और निश्चय नय जुड़ा है सूक्ष्म से, अति सूक्ष्म से। तो निश्चय नय जो है हमें सत्यता की ओर ले जाता है, और व्यवहार नय जो है कि हमें स्थूल रूप से उसकी प्रतीति दिलाता है। तो केवल व्यवहार नय से चलेगा नहीं, केवल निश्चय नय से चलेगा नहीं। जीना है, जिंदगी करनी है तो व्यवहार नय की आवश्यकता है, सत्य पाना है तो निश्चय नय की आवश्यकता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, कुंदकुंद आचार्य ने कहा, बहुत से आचार्य ने कहा कि व्यवहार और निश्चय का समन्वय हमें साधना है। जैसे दो पैर हमारे होते हैं वो सिंक्रोनाइज करके हम चले तो हजारों मील की यात्रा हम कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे दिगंबर मुनि होते हैं तो विद्यानंद मुनि महाराज ने 2,00,000 मील से भी ज्यादा यात्रा की है, वो तो हमेशा पैरों से जाने पड़ते हैं, है ना। तो दो पैरों में यदि हम सिंक्रोनाइज करके चले तो लाखों मील की यात्रा हम कर सकते हैं। उसी प्रकार निश्चय नय और व्यवहार नय, स्थूल और सूक्ष्म दोनों का यदि हमें दर्शन हो, दोनों का यदि हमें अभिनिवेश हो, उसकी हमें अनुभूति हो, तो हम हमारी जिंदगी की यात्रा बड़ी आसानी से चला सकते हैं। न व्यवहार ओझल हो दृष्टि से, न निश्चय ओझल हो दृष्टि से, दोनों। तो इसलिए हर चीज, तो ध्यान की एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने का जो मार्ग है वो ध्यान के थ्रू जाता है। तो इसलिए ध्यान में हमेशा हम शुरुआत तो स्थूल से ही करनी है और फिर शब्दों से ही करनी है, क्योंकि हम जुड़े हैं हमारी आंखों से और हमारे कर्णेन्द्रिय से। ये दो इंद्रिया जो है वो हमें स्थूल से, बाह्य जगत से जोड़ देती है। देखते हैं तो देखकर ही हमें पता चलता है,
सुनते हैं तो कोई लैंग्वेज है, आती है, सुनती है, तो दो मेन कम्युनिकेशन चैनल है जो दूसरों से जुड़ने के, वो आंखें और कान हैं। तो इसलिए ध्यान में हम पहले आंखें बंद कर लेते हैं कि भाई बाहर कोई जुड़ना डिस्टरबेंस ना हो जाए, और कानों से फिर हम धीरे 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 धीरे। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की जितनी प्रक्रियाएं है हमने देखी थी, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्थूल और सूक्ष्म के भाग भी हमने देखे थे, स्थूल के तीन भाग है, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल स्थूल स्थूल। सूक्ष्म के तीन भाग है सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। तो जो भी हम कर्म की, कर्म शरीर की बातें करते हैं, चेतन शक्ति की बातें करते हैं, वो सारी सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल की बातें हैं। तेज शरीर की बातें करते हैं, वो सूक्ष्म की बातें हैं। तो उसको जानना है, उससे जुड़ना है, उसके वाइब्रेशन है। तो जो स्थूल स्थूल जहां पर हम पड़े हैं, वहां से यहां तक आपको आना पड़ेगा। तो इसलिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर की यात्रा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी। और फिर इडा पिंगला सुषुम्ना की बातें हमने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है इडा पिंगला सुषुम्ना को जानना, क्योंकि हमने देखा था कि जब तक हमारी चेतन शक्ति नेवल सेंटर जो हमारा है उसके नीचे रहती है, नाभि चक्र जो है, मणिपुर जो है, उसके नीचे जब तक रहती है, तो ये जो तीन चक्र नीचे होते हैं ये नेचुरली एक्टिव रहते हैं, बट वो एक्टिव इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वासना जो है, इच्छा जो है, उसी की डायरेक्शन में वो चलते रहते हैं। तो पहले तो इन तीन चक्रों को शुद्ध करना है, और उसके बाद चेतन शक्ति को हमें नेवल सेंटर से ऊपर की ओर ले जाना है। तो इसलिए हमने चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन, इसकी भी प्रैक्टिस की थी, इसकी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन, कि चेतन शक्ति को हम ऊपर 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 लेके जाए। तो जब हमारी चेतन शक्ति नाभि केंद्र से ऊपर आएगी और अनाहत चक्र तक, आनंद केंद्र तक आएगी, तो आनंद केंद्र से ऊपर जो है कि हमारे जिंदगी के दुख बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो आनंद केंद्र से आनंद की जो है अनुभूति हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। फिर ऊपर से एक विशुद्धि केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है विशुद्धि केंद्र जो है, उसे भी हमें जागृत करना है, ताकि हमारे जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कंट्रोल में आते जाएगी। और फिर वहां से आज्ञा चक्र जो है थर्ड आए, उसको भी एक्टिवेट करना है, दैट इज एट ए हायर लेवल। सो वेयर यू कैन देन हैव ए टोटल कंट्रोल, आपकी भावनाओं पे, इच्छाओं पे टोटल कंट्रोल आपका आ जाएगा, और अंतर जगत की सारी शक्तियां जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये हमने थोड़े से रफली देखे थे कैसे करने हैं, और इसी की श्रृंखला में हमने इडा पिंगला और सुषुम्ना की बातें की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इडा पिंगला सुषुम्ना को जानना। तो इडा पिंगला सुषुम्ना, तो इडा और पिंगला जो है कि हमारे शक्ति केंद्र से निकलकर हमारी नोज जो है उसके अग्रभाग तक, और जो हमारा आज्ञा केंद्र है वहां तक आ जाती है, और वो सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी बट सिंक्रोनाइज टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे नहीं कि कैसे भी, तो सांप की तरह वो क्रिस क्रॉस जाती है। तो यहां से शुरू हो गई इडा, चली गई पिंगला, वहां से चली गई, और सुषुम्ना जो है एकदम स्ट्रेट। तो जहां भी हमारे चक्र है वहां पे इडा पिंगला सुषुम्ना तीनों मिलती है। तो हर एक चक्र में
तो क्रिस क्रॉस होके वो वहां मिलती है, फिर नेक्स्ट चक्र पे मिलती है, फिर नेक्स्ट चक्र पे मिलती है, नेक्स्ट चक्र पे मिलती है, और फिर आज्ञा चक्र के पास मिलती है। तो ईड़ा पिंगला वहां खत्म हो गई, सुषुम्ना जो है वहां से आगे जाएगी सहस्रार तक। तो जो शक्ति हमारी है, तो ईड़ा पिंगला दोनों शक्ति का निर्माण करती है और शक्ति को फ्लो कराती है इजीली। तो इसको जानना और इसके संधि स्थल को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईड़ा की एक साइकिल होती है, पिंगला की एक साइकिल होती है। तो ये आपको जान लेना है कि आपकी ईड़ा पिंगला की साइकिल कितनी होती है। तो जनरली इट कैन बी 48 मिनट्स और लिटिल मोर, और अकॉर्डिंगली आप उसको पहचान ले। और जब ये दोनों का संधि स्थल होता है कि ईड़ा से पिंगला में स्विच हो रही है हमारी साइकिल, तो कुछ मिनट के लिए जो है कि हम कहते हैं कि संधि काल है, जैसे कि दिन है और रात है, इसके बीच में संध्या काल होता है। संध्या काल मीन्स दोनों के मिलन की, सो वन इज हैंडिंग ओवर टू द अदर, है ना। तो एकदम लाइट है और एकदम डार्क है, इमीडिएट नहीं होता है, इट इज ग्रेजुअल स्विच ओवर, है ना। सो दैट इज द संधि काल। तो सिमिलरली ईड़ा से पिंगला में स्विच होती है बॉडी सिस्टम, तो इमीडिएट नहीं है, इस संधि काल से जाती है। सो देयर इज अ हैंड ओवर पीरियड, सो दैट इज नोन एज संधि काल। तो संधि काल इज द बेस्ट फॉर ध्यान, क्योंकि वहां कोई डिस्टर्बेंस आपकी नहीं होती है। तो इमीडिएटली यू कैन गेट इन टू द डीपर मेडिटेशन। तो ये संधि काल को आपको मैनेज करना है, कब आती है, कैसे आती है, और वहां पे आपको अपने ध्यान को सिंक्रोनाइज करना है। सो दैट ध्यान पीरियड जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना मिलती है तीनों, वहां पे आपको ध्यान करना है। सो इसीलिए हमने ईड़ा पिंगला की बातें की थी और उनको वश में करना, और उससे रिलेटेड और कुछ हमने देखे थे कि बैकबोन के लिए कैसे हमें करना है, यू नो, कैसे स्ट्रेट रहना है, क्यों रहना है, स्ट्रेट बैकबोन रखनी है ताकि वो फ्लो इज अनडिस्टर्ब, है ना। और एक बात और हमने कही थी कि भाई बैकबोन, इफ़ योर बैकबोन इज हेल्दी देन यू आर हेल्दी। आपकी कोई भी बीमारी है तो उसका रूट आपको बैकबोन में मिल जाएगा। बैकबोन इन द सेंस तेजस बॉडी, जो चक्रों की, नॉट द फिजिकल बैकबोन, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये टेक्निक्स हमने सारे देखे थे। तो इन सारे टेक्निक को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना है, और भी कुछ टेक्निक्स बचे हैं, तो वी विल टेक देम एट सम अदर पॉइंट इन टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अनदर वेरी गुड टॉपिक विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द ध्यान। तो ये जो हमने कवर अप किए, इस पे कोई भी सवाल है तो एक दो सवाल हम ले सकते हैं। विनोद जी, ये प्रतिसंलिंदा की जो बात आपने बताई, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार और? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए, हाँ तो प्रैक्टिस कर लेते हैं दो मिनट। तो एकदम एक सेकंड विनोद जी, प्रतिसंलिंदा इसी सब्जेक्ट पर आपने परीक्षा में आती है, ये तो छठवा स्टेप है प्रतिसंलिंदा। हाँ तपो में आती है, हाँ तपो का छठो, इसके पहले जरा दोहरा दीजिए पांच स्टेप। हाँ, तो एक तो होता है कि उपवास एक होता है, उनोदरी होती है, और फिर एक मिनट, नहीं आपने बोला कि ये बदलाव की जंग होती है इसमें, हाँ हाँ, फिर शक्ति होती है, ध्यान से अग्नि पैदा होती है, हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ ओ वाले, हाँ ठीक है। तो देखिए कि एक सूत्र भगवान महावीर ने दिया बहुत सुंदर, कि भाई इतने कर्म हमारे जमा हुए हो गए हैं और उसको वन बाय वन डिस्ट्रॉय करे, हाँ, तो इट विल बी नेवर पॉसिबल, बिकॉज वो डिस्ट्रॉय करने में जो हमारा कार्य होगा उसमें हम नए कर्म निर्माण करेंगे। तो उसको डिस्ट्रॉय करना है तो बल्क
बल्क में डिस्ट्रॉय करने की कोई टेक्निक हमें चाहिए। तो एक उदाहरण उन्होंने दे दिया था कि जो तृण जमा हुआ है, जो हमने पुराने जमाने में जब चूल्हे जलते थे तो हर आदमी अपने घर के बाहर एक बड़ा सा हिप लगा के रखता था जलाने के लिए, सो दैट वो 12 महीने यूज़ कर सके, है ना, बारिश में या नहीं मिलता है तो यदि वो पड़ा हुआ, इतना पड़ा हुआ है मगर उसमें आग का एक तिनका, आग का एक स्पार्क भी आ जाएगा और तेज जो हवा है तो वो क्षण भर में सारा नष्ट हो जाएगा। तो क्षण भर में इतना सारा तृण नष्ट करने के लिए एक अग्नि की जरूरत है। अग्नि नहीं है तो फिर इतना वो नष्ट नहीं कर सकते हम। उसी प्रकार से ये जो कर्म रूपी पर्वत, पर्वत से भी ज्यादा जमा हमने करके रखा है और उसके कारण ये सारी बुराइयां हमारी आती है। जैसे कर्म विपाक आता है उस प्रकार से हमारी भावना बनती है और उस भावना के हिसाब से फिर हमारी ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड सिलेक्शन उस हिसाब से बनती है और ग्लैंड सिलेक्शन से जो हार्मोन्स ब्लड में जाते हैं वो उस हिसाब से हमारी सारी क्रियाएं बनती है। तो उसको नष्ट करने के लिए हमें भी ध्यानाग्नि का निर्माण करना पड़ेगा ताकि जो अग्नि है वो कर्म के उस पर हम डालेंगे तो कर्म मल जो है तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहा है कि अनेक जन्मों के कर्म जो है ध्यानाग्नि के द्वारा क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं। मगर ध्यानाग्नि आएगी कैसे? तो ध्यानाग्नि के लिए एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, है ना। ऐसे तो अग्नि निर्माण नहीं होगी, बाहर भी फिजिकली हम गए तो अग्नि ऐसी थोड़ी निर्माण होती है, उसके लिए भी कुछ चाहिए। तो ध्यानाग्नि निर्माण करने के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए शक्ति का संचय और शक्ति का निर्माण ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई है। और शक्ति संचय जो है कि जो फालतू बातों में हमारी एनर्जी खलास हो जाती है, हम ऑब्जर्व करें तो 99% में से 70% एनर्जी तो ऐसी जाती है कि विच वी कैन रियली स्टॉप एंड प्रिजर्व, है ना। तो बहुत लोग फोन पे बातें करते हैं, दो दो घंटे करते हैं बातें, द व्हाट दे आर टॉकिंग इज इक्वल टू 1 मिनट्स, है ना। अब जो पॉइंट्स बना लेंगे तो 1 मिनट में वो टॉक खत्म हो सकता है, बट दे विल कीप टॉकिंग, यू नो। सो लाइक दैट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कीप डूइंग। बैठे हैं सोच रहे हैं, शेख चिल्ली बन गए, है ना, और सोच रहे हैं तो क्या सोचेंगे कि जो हमारी अतृप्त भावनाएं हैं, इच्छा है, उसी के बारे में सोचेंगे, है ना। मेरे पास बिल गेट जैसे पैसे आएंगे तो मैं मुकेश अंबानी जैसा घर बनाऊंगा और हर यू नो कंट्री में बनाऊंगा, एक ही नहीं बनाऊंगा, और फिर इतने लोग आके मुझे सलाम करेंगे और मैं सोने के इतने गहने पहनूंगा, सब महंगी से महंगी कारें लूंगा, अपना जेट होगा, अपनी ये होगी अपनी, है ना। सो वी आर वेस्टिंग टाइम इन समथिंग विच इज शेख चिल्ली। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, तो एक है कि शक्ति संचय, तो फालतू चीज़ें जो है उसको कट 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 कर देना है, कि बोलना नहीं भाई ये फालतू बिन काम की है, आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट, है ना। ये फालतू बैठे पार्टी में गए, गपशप किए, दो 7 बजे पार्टी है, 6 बजे पहुंच गए, 11-12 बजे 1 बजे पार्टी खत्म हो गई, 2-3 बजे तक आप वहाँ बैठे हैं, फिर निकले घर आ गए, है ना। तो पार्टी है ठीक है, जाना है, सोशल काम है, थोड़ा एंजॉय भी करना है, तो ठीक है भाई 1 घंटा गए एंजॉय किए, 5 आवर्स ऑफ एनर्जी वेस्ट कैन बी सेव्ड, लाइक दैट सो मेनी थिंग्स। सो दिस इज वन आस्पेक्ट भगवान महावीर टॉक्स वेरी क्लियरली। नाउ सेकंड इज क्रिएटिंग द एनर्जी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी आपको क्रिएट करनी है तो ध्यान में जाके आपको एनर्जी क्रिएट करनी है। तो तप की जो बातें हैं, तप जो है सारी ध्यान में जाने के लिए
ऊर्जा का निर्माण करना। तो 12 तप इसलिए दिए हैं कि पहले जो है वो ऊर्जा के संग्रहण के तप है, आगे के जो है ऊर्जा के निर्माण के तप है। तो जो अंतर तप है सारे वो ऊर्जा के निर्माण के है, और प्रतिसल्लिनता इज ए चेंज ओवर पॉइंट, यू नो, प्रतिसल्लिनता हेल्प्स यू टू गो इन द इनर। सो एंड फिर आपको ऊर्जा का निर्माण करना है। तो ऊर्जा के निर्माण के हमने बहुत से देखे थे, वन ऑफ देम इज जो मंत्र के हम उच्चारण करते हैं अंदर जो वाइब्रेशन निर्माण करते हैं, दैट इज वन। अनदर इज यूजिंग द ब्रीदिंग, यू नो, एक तो डीप ब्रीदिंग हम लेंगे तो जो प्राण शक्ति आती है वो सेव हो जाती है, ज़्यादा सेव हो जाती है, और फास्ट ब्रीदिंग है या फिजिकल एक्टिविटी जो कुछ उसके साथ करते हैं तो उससे एनर्जी का निर्माण होता है। तो एनर्जी निर्माण के बहुत से टेक्निक्स है, हमने कुछ कवर किए, हम आगे चलकर और करेंगे। तो ये एनर्जी निर्माण करनी है, एनर्जी निर्माण करने से होगा नहीं, यू आर टू देन एबल टू फोकस इट, है ना। तो जैसे लेजर बीम एक बनाते हैं कि लाइट यहाँ पड़ी है, वो लाइट से कुछ नहीं होता है, और लाइट को फोकस करके वन सेंटर में हम फोकस करें तो लेजर बीम बनती है। तो लेजर बीम से हम कोई भी चीज जला सकते हैं, कि हाँ वे कुछ कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट इज टू फोकस द एनर्जी, है ना। तो इसलिए चेतन शक्ति की जागृति जो है इम्पोर्टेंट है। एंड फिर हमने कहा कि चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन, चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन इज अ प्रोसेस वेयर आप वो चेतन शक्ति को पॉइंटेड कर रहे हो, एक जगह ला रहे हो, उसको फोकस कर रहे हो, और देन ऊर्ध्वगमन में यू आर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ दैट। तो ये यहां तक आप आ गए तो आपके चेतन शक्ति का निर्माण हो गया, एंड नाउ यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू द फायर। तो इसीलिए ध्यानाग्नि वो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एंड बहुत अप्रोप्रिएट शब्द है, कि ध्यान में जाकर जब तक आप अग्नि का निर्माण नहीं करते हैं वो शुद्धि आपकी जितनी चाहिए नहीं हो सकती। तो कर्ममल को जलाना है, बुरी चीज़ों को जलाना है, और उसकी जगह अच्छी लानी है। अच्छी लानी है तो बुरे को जलाना पड़ेगा पहले, है ना। एक कटोरा है उसमें आपने गोबर भर दिया है और कोई जाके आपको खीर दे रहा है, तो वो जब तक आप गोबर निकाल के उसको क्लीन नहीं करोगे उसमें खीर नहीं ले सकते, नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए ध्यानाग्नि से बुरा जला देना है ताकि अच्छा आगे आ सके। सो दिस इज द होल प्रोसेस। तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स है, यू नो, बट द समराइज नेम फॉर दैट इज ध्यानाग्नि। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने पूछ लिया, बिकॉज ये प्रोसेस जो है ये हमें बिल्कुल अंडरस्टैंड करनी है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी थी, रिपीट मैं फिर से करता हूँ, कि ध्यान में कोई शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है ध्यान में, कोई डेलीगेशन नहीं, यू कैन नॉट डेलीगेट टू समबडी, है ना। जैसे प्रोजेक्ट टीम होती है तो हम कहते हैं अरे भाई यू तुम ये करना, तुम वो कर देना, तुम वो कर देना, तुम वो कर देना, एंड ध्यान में कोई यू नो डेलीगेशन नहीं है, एवरीथिंग यू हैव टू डू योर सेल्फ, क्योंकि ये अंतर जगत की बात है और आपके अंतर जगत में कोई दूसरा नहीं आ सकता। कितना भी डियर हो, कितना भी नियर हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी आप चाहे कि नहीं इसको तो एंट्री मिले, बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना। तो यू आर अलोन इनर, योर इनर, यू आर टोटली टोटली अलोन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज नो पेन, नो मिजरी, सफरिंग, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई ईगो की कोई गुंजाइश नहीं है, है ना। आप अकेले हो, किससे कॉम्पीट करोगे, किसी से नहीं, आप अकेले हो, ईगो कहाँ करोगे, आप अकेले हो, क्रोध किस पे करोगे, आप अकेले हो, लोभ करने की जरूरत नहीं है, किससे क्या बचाओगे। तो वेंस यू गो इन द इनर, जो आउटर में सारे प्रॉब्लम हमारे है दे डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज यू आर अलोन। तो ध्यान में एक चीज है, वो
विजुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंतर जगत की भाषा जो है, सुप्त मन की भाषा जो है वो विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन के बगैर वो अंडरस्टैंड नहीं करता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज अ लैंग्वेज विच एवरीबडी कैन यूज, यू नो। एक उदाहरण हमने लिया था कि एक जापनीज छोटा बच्चा है ना, आता है स्टूडेंट एक्सचेंज में, यूएस में आ जाता है, तो उसकी मदर बड़ी चिंतित होती है कि छोटा सा बच्चा, उसको सिर्फ जापनीज आती है, क्या करेगा, कैसे करेगा। और उस जमाने में तो ट्रंक कॉल थे, ऐसे नहीं था कि क्या कॉल अप, तो उसने एक दिन ट्रंक कॉल प्लान कर लिया, प्रिंसिपल से कहा कि भाई मेरे बेटे को बुला देना, एंड ही टॉक्ड। तो पूछा बच्चे से कि अरे भाई क्या हो गया, तुम तो सिर्फ जापनीज जानते हो, वो सारे इंग्लिश है, तो कैसे आप करते हो। तो बच्चा बोलता है मम्मी से, मम्मी तुम यू डोंट वरी, एवरीबडी लव्स इन जापनीज, एवरीबडी लव्स इन जापनीज, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो जो पिक्टोरियल चीज होती है, देयर द लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, यू नो, इट इज अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। सो हमारा सुप्त मन जो है, ही अंडरस्टैंड ओनली पिक्टोरियल लैंग्वेज, और दैट्स वाई विजुअलाइजेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज यू कैनॉट कम्युनिकेट विथ यूर सबकॉन्शियस। और जब तक सबकॉन्शियस से आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, तब तक परमानेंट बदलाव कुछ भी नहीं आ सकते। सो दैट इज पंकज जी का सवाल अभी रह गया। हाँ जी, पूछ लीजिए, अभी और दो मिनट हम सर, यहाँ 9:15 हो गए तो क्लोज कर लेते हैं, तो तीन बार ओम कर लेंगे एंड देन वी क्लोज इट। ओम खींचना है, और जो वाइब्रेशन है इनसाइड उस पर फोकस करना है, कि वाइब्रेशन, ट्राई टू गेट द वाइब्रेशन रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ओम down here. Have a nice day. Press subscribe, bell icon and like button. JainWorld.com 25 years of service to Jainism.